me. Shatter like Pico and Earthquake. The body ever with my work break. These cursed blades are dooming you all to a worse fate. Surprise you like a birthday. I hurt maim me first aid. माई डीमन वाइब की एपिसोड नंबर 78 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, तभी मैं बार का सीन दिखाया था जिधर सोपीसास और डीमन क्वीन भाग रहे होते हैं और सोपीसास सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि उधर सोल्जर्स खड़े होते हैं जो कि वो अचानक तीर चलाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको तीर लगने ही वाले होते हैं। तभी हमारे डीमन क्वीन अपने पंगों से शील्ड बना लेती है जिससे वो बच जाते हैं और हमें दिखाया था जियान अपने लेफ्ट हैंड से स्प्रे टाइप का कुछ शूट करता है जिससे कि सभी सैनिक आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि वो सभी सैनिक चिपचिपे पदार्थ की वजह से हिल नहीं पाते तो वो सभी ऊपर से उड़ के निकल जाते हैं। तभी यालू ऊपर सीढ़ियों से कूद कर नीचे आ जाता है और फिर यालू अपने लाइटनिंग पावर से तीर और धनुष बनाता है। फिर यालू उनके ऊपर निशाना बांधते हुए बोलता है, सोपीसास तुम मेरे तीर से बचकर भाग नहीं सकते। और तभी यालू परेशान हो जाता है। यालू देखता है उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जो कि वो उन सभी को बचा लेता है। यालू पीछे मुड़ कर देखता है तो उसके सामने टीचर एसी होती हैं क्योंकि वो बैरियर टीचर एसी ने बनाया होता है। यालू टीचर एसी से पूछता है, आप भी उन सभी का साथ क्यों दे रही हो? टीचर एसी बोलती हैं, मैंने उन सभी का साथ अपनी मर्जी से दिया है और इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। और फिर हमें सीन महल के अंदर का दिखाया जाता है जिधर रिजेन और यालू खड़े होते हैं। तभी यालू बोलता है, एसी तुम जेल जा रही हो। तभी रिजेन गुस्से से यालू से बोलता है, चुप रहो। यालू घबरा के बोलता है, ठीक है ठीक है। रिजेन टीचर एसी से बोलता है, आप इस सब के बारे में प्रिंसिपल को क्या समझाओगे? टीचर एसी जाते हुए बोलती है, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर वो सभी उड़कर भाग रहे होते हैं। तभी सोपीसास इजाबेला से पूछता है, आपके आगे क्या योजना है? इजाबेला बोलती है, मैं डीमन जाति में वापस जाना चाहती हूँ सिंहासन को वापस पाने के लिए। तभी जियान बोलता है, ठीक है, सिटी गेट से बाहर निकलने के बाद डीमन्स के लिए की तरफ उड़ान भरेंगे। फिर हमारे डीमन क्वीन इजाबेला सोपीसास से बोलती, मैंने आपको साम्राज्य को धोखा देने के लिए प्रेरित किया।